आज 10 दिन हो गए, और कितने दिन दुखी रहेंगे आप? उठिए साहब, उठिए। मैंने आपको कहा था ना कि मेरे लिए दुखी मत होना। देश के सारे लावारिस दुख आपका इंतजार कर रहे हैं, वो सारे आपको अपना उद्धारकर्ता मान रहे हैं। उन्हें पता है कि उनका उद्धार कोई भगवान नहीं तो सिर्फ आप और आप ही कर सकते हैं। साहेब, आपकी एक रमा गई, इसलिए आप यशवंत, मुकुंद और हमारे 9 करोड़ दलित बच्चों को बेसहारा करेंगे? नहीं साहब, नहीं, मेरी कसम है आपको। उठिए, इस दुख से मुक्त हो जाइए और हमारे करोड़ों दीन दुर्बलों के उद्धार का कार्य कीजिए। बाबा को सब कुछ बताती हूँ। दीदी, इसका ना तू बाबा को बोलना। तू मुझे क्यों हमेशा चिढ़ाती है? तू ही मेरे को चिढ़ाती है। तू चिढ़ाती है। अब तू क्यों उसे चिढ़ा रही है? एक तो माँ की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से तुम लोग रोना धोना शुरू मत करना। मेरे को बहुत भूख लगी, खाना दो ना। दीदी, मेरे को भी दो ना। तो चलो अंदर मुँह हाथ धो लो, खाना खाते हैं। भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है। माँ रो मत ना, आखिर ये मेरा ही घर है ना, मैंने काम किया तो क्या हुआ? ऐसा ही समझदारी से काम ले पूरी। माँ बेटी, मैं तुम्हें ये सब इसलिए कह रही हूँ, औरत जात है ना तू, कल को शादी करके ससुराल चली जाओगी तो अपने गुणों से ससुराल वालों का दिल जीतने आना चाहिए तुझे। माँ बाप का नाम रोशन करना बेटा। रमा, ए रमा, अब कैसी तबीयत है बेटी, बता ना। बाबा, माँ का बुखार उतर ही नहीं रहा। अच्छा, रख माँ, दवाई तो ली थी ना समय पर। देखो ना, माँ ऐसे ही करती है, कहना नहीं मानती। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। Thank you.
छीनों न साया, बच्चों का छीनों न साया। पत्थर दिल तो हो ना ऐसे, पत्थर दिल तो हो ना ऐसे, इस हालत में देवा, इस हालत में देवा, इस हालत में देवा, इस हालत में देवा। शंकर्या, आओ मेरे दुलारो। और सुनो, अब ये घर तुम्हारा ही है, हा? अब तुम लोग यही रहोगे, हा? एकदम मजे से रहना, हा? हा बेटी, रमा, अरे तुम्हारी भाई बहन है, हा? ये सरस्वती, हा? और ये गंगा, हा? और ये तुक्या, हा? सुनो बच्चों, ये तीनों अब तुम्हारे साथ यही रहेंगे, उनके साथ तुम लोगों को भाई बहन जैसा ही रहना है। भाई। तो क्या अभी यही रहेंगे? बच्चे भूखे होंगे, घर में जो भी बना हो इन्हें खिला दो सरस्वती। चलो चलो बच्चों, चलो आओ आओ, रमा आओ बच्चों, चलो। बच्चों का यहाँ पर दिल तो लग जाएगा ना? अरे बच्चों के साथ बच्चे रहेंगे तो अपने आप घुल मिल जाएंगे। हाँ ये बात भी ठीक है। चलो बच्चों की चिंता तुम मिट गई। हाँ रमा, अरे तू भी धोनी वाले खा ले ना बेटी, पहले इनको तो खिला दो। हाँ, हाँ, हाँ। अरे बहन आ रही हो गोबर थापने? हाँ 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 आ रही हूँ मैं, तो चल मैं आ रही हूँ। रमा, अरे रमा। क्या चाची?
बच्चों को जो भी कुछ चाहिए तो देख लेना, उनको जो भी चाहिए वो दे देना बेटी। तब तक मैं वहाँ से ओपले बना कर लाती हूँ। हाँ बच्चों मस्ती मत करना, हाँ ठीक से खाना। हाँ चाची। हाँ देखो मैं भी आ गई, मुझे भी आता है गोबर थापना, माँ ने सिखाया था ना। ना रे ना मेरी बच्ची ना, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ करूँगी। हाँ अरे तुम आज ही तो सफर से आई हो, हाँ थक गई होगी, तू आराम कर। हाँ जा, रात को कर लूँगी ना आराम, अगर मैं आराम करने लगी तो तुम्हारा क्या, अकेले ही दिन भर काम करती रहती हो ना, इसीलिए बोल रही हूँ अब मैं आती हूँ तुम्हारे साथ। अरे नहीं नहीं मेरी बेटी नहीं। लक्ष्मी आई आई, ये लो। आनंद क्या है इतनी जल्दी में कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बाबा मैं काम पर जा रहा हूँ। वाह जाओ जाओ जीजा। हाँ जरा वो छतरी दो। हाँ देती हूँ, पर छतरी लेकर किधर जा रहे हो? अरे अपना वो ढोंडी भाई है ना। हाँ तो बोला राम जी मैं एक लड़की दिखाता हूँ। हाँ? नहीं हाँ मत कहना, मगर एक बार देख तो लो। अरे मगर नासिक कर और डोई फोड़े की बेटी भी तो तुम्हें पसंद आई थी ना। अरे हाँ तुम्हारी बात ठीक है, मगर ढोंडी बाने दिखाई हुई लड़की एक बार देखने में क्या हर्ज है? वो तुम्हारा तुम जानो रे बाबा, पर इतना ध्यान में रखो मेरा बच्चा राजकुमार है, उसे पढ़ाई से बहुत लगाव है, तो ऐसी ही लड़की देखना जो उसका भला करे, नहीं तो अगर ये उसके पल्लू से बन गया ना तो फिर उसकी होशियारी का क्या फायदा। इसीलिए कहता हूँ मुझे शांति से पढ़ाई करने दो। देखा देखा। अरे चलो चलो अपने काम पे लो। अरे चलो चलो उसे पढ़ाई करने दो। अरे बिलंकर देख सूबेदार जी आए हैं तुमसे मिलने। नमस्कार नमस्कार। राम राम राम। बैठिए बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए। भाई मुद्दे की बात पर आते हैं, सूबेदार जी अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी के साथ करना चाहते हैं। नहीं आपके बेटे के बारे में सुना है हमने, लेकिन आपका बेटा नवी कक्षा में पढ़ रहा है, मतलब आगे और भी पढ़ता रहेगा, पर हमारी बेटी वो तो अनपढ़ है, गांव की रहने वाली है। हाँ पर लाखों में एक है, बड़ी समझदार है, घर वालों को स्नेह से बांध कर रखने वाली है, पर इतना होते हुए भी। लेकिन उसके माँ बाप नहीं रहे, उसमें उसका क्या दोष है? हाँ मतलब मैं समझा नहीं। अनाथ है बेचारी। ठीक है पर हमारी एक ही विनती है, एक बार अपनी बेटी को हमें दिखा तो दीजिए। क्यों नहीं, अजी सुनती हो जरा रमा को लेकर आना। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? रमा भिकाजी धुत्रे। वाह बड़ा अच्छा नाम है रमा। ढोंडी बा हाँ? हमें ये रिश्ता मंजूर है। जा उनका आशीर्वाद ले ले। खुश रहो बेटी। उठो बेटी उठो, ये लो वेलंकर। चलो अब शादी की तैयारियां शुरू कर दो। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है रुक्मिणी, तकदीर चमकी तेरी बेटी की। दादा बहुत खुश नजर आ रहे हो। एक खुशी की बात है, लड़की पसंद आ गई। अच्छा तुम्हें कैसे पता चला? अब तक नाशिकर और डोई फोड़े की बेटी को भी शक्करपुड़ी देकर आए ना तुम। रवा को भी शक्करपुड़ी देकर आया हूँ। है ना? अब ये तिकड़म तुम कैसे सुलझाओगे? तिकड़म तो हो गया है। सूबेदार जी। ओ सूबेदार जी। अबे एक काम चोर, सूबेदार जी आगे भी तो कुछ बोलो ना। ताई साहब सूबेदार जी
सरपंच जी ने इनके खिलाफ जात पंचायत बुलवाई है। मेरे खिलाफ जात पंचायत? ये नासिक कर की शिकायत आई है आपके खिलाफ। उनकी बेटी को आपने बहू बनाने के लिए पहले पसंद किया था, बिना कोई खबर किए और बिना कारण बताए अपने बेटे का लगन किसी और लड़की के साथ तय कर दिया। अरे लोग मुझे और ये डोई फोड़े को पूछते हैं। और क्या? सूबेदार ने आपकी बेटी को पसंद करने के बाद फैसला क्यों बदल दिया? हमारे भी समाज में इज्जत है। हाँ, हाँ क्यों नहीं, सही बात बोल रहे हैं। सूबेदार जी, इस सवाल का जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। क्यों भाई हो? मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ और इतना ही कहता हूँ कि आपकी बेटियाँ सुंदर हैं, सुशील है, संस्कारी है। ऐसा था तो फिर उनको ठुकराया किस लिए? बिल्कुल सही। पर रमा, जो कि अनाथ है, बचपन से ही बेचारी बदनसीब है। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए, उसके दो छोटे भाई बहन भी हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने केवल, सरपंच जी, केवल मानवता के नाते मैंने हाँ कहा है। इंसानियत के नाते से देखा जाए तो आपका निर्णय सही है, पर जो शिकायत मिली है वो अपराध भी तो सही है, और गुनाह तो हुआ है तो उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। आप जो सजा देंगे वो मुझे मंजूर है। सूबेदार जी, इस ब्याह का विरोध हम नहीं करते, पर सजा के तौर पर आपको पंचायत में दंड भरना होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर चाय पानी की व्यवस्था करनी होगी। ओह, चाय पानी का कैसा हर्जाना, वो तो मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। आज आप सब ने मेरे लिए यहाँ पर आने की तकलीफ उठाई, उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, और पंचायत ने जो दंड का फरमान सुनाया है वो भी मैं खुशी से भरने को तैयार हूँ। सुनो भाइयों, मैं आप सभी लोगों को ब्याह में आने का निमंत्रण देता हूँ, समझे? चलो चलो। भीम साहब की हो गई है तो भीम साहब की, बुजुर्गों की दुआएं मिलती, बुजुर्गों की दुआएं मिलती। लेके माथे पे सिंदूर अपने, लेके माथे पे सिंदूर अपने, हम सफर हो गई भीम जी की, हम सफर हो गई भीम जी की।
कुछ मेरो कृपा करो मुझ पर, कृपा करो मुझ पर। Of human being, and to implement this right, every person of the society, every caste and tribe should be educated so that he can understand the authority, power and importance of education. As well as of this right. Are you Ramu too? रामू, किताब पढ़ते समय किसी भी बात का ध्यान नहीं रहता तुम्हें। फिर पढ़ाई करते समय अगर उसमें ध्यान नहीं रखा तो इतना सब कुछ ध्यान में कैसे रहेगा मेरे? और अगर ध्यान में नहीं रहा तो अच्छे अंकों से कैसे पास होऊंगा मैं? मुझे अनपढ़ औरत को क्या समझ है इसकी? तुम्हारी ये अज्ञानता जो बोलने में दिखाई देती है वो कितने दिन चलती रहेगी? हाँ हाँ हाँ, मुझे क्या करना है पढ़ लिख कर? घर ही तो संभालना है। तो बिना पढ़े लिखे कैसे चलेगा? लोग क्या कहेंगे? पति इतना पढ़ा लिखा, लिख सकता है, पढ़ सकता है, आगे भी पढ़ रहा है, और पत्नी अनपढ़ गंवार। जब लोग तुम पर हंसेंगे तो मुझ पर हंसने जैसा ही हुआ ना। वाह रे वाह, मेरे सामने कोई हंस के दिखाए, फिर देखती हूँ क्या जवाब देना है। लेकिन इससे शिक्षा का महत्व तो कम नहीं होता ना। अरे एक स्त्री पूरा घर चलाती है, और अगर वो पढ़ी लिखी हो तो सारा घर शिक्षित रहेगा। कल को हमारे बच्चे होंगे, अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो तुम्हें अच्छा लगेगा? बच्चे अपना अधिक समय माँ के साथ ही बिताते हैं, और माँ को ही शिक्षा में रुचि ना हो तो बच्चे क्या खाक पढ़ेंगे लिखेंगे? वो तो है, पर मुझे पढ़ाएगा कौन? मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। रामू, ज्योतिबा जी ने जैसे सावित्री बाई को सिखाया ना, वैसे वैसे आप मुझे पढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा पढ़ना। तो फिर तय है, आज से ही। बल्कि अभी से ही शुरू करते हैं। ये क्या? लिखो। अभी ये हुआ आ, और फिर ई, आई। रहती हूँ।
रोज जाती हो मेरे साहब के, मेरे शोहर के, मेरे साहब के, मेरे शोहर के। अरे सुनो भगवान, एक अच्छी खबर है। क्या हुआ? अपनी रमा पेट से है। क्या कह रहे हो आप? अब कैसी है अपनी रमा? हाँ बिल्कुल तंदुरुस्त। हे भगवान पांडुरंगा, तेरा लाख लाख शुक्र है। गौरा, ए गौरा, अरे ए शंकरिया, क्या हुआ? गौरा, अरे तू मौसी बनने वाली है। और शंकरिया, तू मामा बनने वाला है। सच सच में भैया, राजा शुद्धो शुद्धोदन ने गौतम राजकुमार को दुख की पहचान ना हो इसलिए उसे विश्राम वन में रखा था। एक बार उसे शहर देखने की इच्छा हुई। रमा, तू खुश तो है ना? हाँ माँ। अरे इनके घर के सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। हाँ मुझ पर जान छिड़कते हैं। तुम्हारे दामाद कितने सुंदर है क्या बताऊं? हाँ वो जितने सुंदर हैं उतने ही बुद्धिमान हैं। अरे मैं क्या, पूरी दुनिया उनकी बुद्धि की तारीफ करती है। भगवान की दया है, वो खुद तो पढ़ रहे हैं और मुझे भी पढ़ा रहे हैं। हाँ रुक, मैं तुम्हें पढ़ के दिखाती हूँ। बेटा पढ़ के दिखा, मुझे पढ़ के दिखा। बेटी बाबा आप क्या सोच रही हो बेटी? नहीं कुछ नहीं। और ये क्या क्या पढ़ रही थी तुम? ये बुध चरित। बाबा आपसे कुछ पूछना है। पूछो ना। नहीं मतलब इसमें ये लिखा है कि तपस्या के बाद राजकुमार गौतम बुद्ध हो गए, ये सच है क्या? हाँ हाँ सच है। तपस्या कर मनुष्य कुछ भी हासिल कर सकता है। मेरा भीमराव भी बुद्धिमान है, एक दिन ये सारी दुनिया उसके सामने ऐसे ही नतमस्तक होगी। मतलब ये भी घर बार छोड़कर तपस्या के लिए जाएंगे? नहीं बेटे ऐसा नहीं। मेरा भीमा कल का सूर्य है और उस सूर्य की तू छाया बनी है और तू सदैव उसका साथ निभाना। एक ना एक दिन वो जरूर उस सूर्य जैसा तेजो में होगा। हाँ पर एक बात ध्यान में रखना, गृहस्थी का बोझ तुम्हें ही उठाना होगा। उठाऊंगी बाबा, मैं सब कुछ संभालूंगी। मुझे विश्वास है। बाबा रमा बुआ, अपने भीमा ने बीए पास कर लिया। अरे सुना सुना तुमने, अपना भीमा बीए पास हो गया? अरे बेटी अपना भीमा बीए पास हो गया, मैंने कहा था ना। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो, जाओ जाओ उसकी आरती की तैयारी करो। हाँ, उसकी नजर उतारो। चली, चली। अरे वो आनंदा बाबा तुम ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, बाबा। जाओ कुछ मीठा लेकर आओ, जाओ जाओ। हाँ, बाबा अभी लेके आता हूँ। मेरा भीमा बीए पास हो गया है। धनी आप परीक्षा पास हो गए, सच मेरे विठोबा की कृपा है। मगर रामू आज जो मुझे सफलता मिली है ना उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। मेरी पढ़ाई करते समय तुमने मेरी बहुत सेवा की है, जो भी चाहूं वो मुझे बैठे बिठाए मिल रहा था। और सबसे जरूरी शांति वो भी मिल रही थी। अरे तुम्हारी मेहनत देखकर ही तो मुझे प्रेरणा मिल रही थी। देखा जाए तो ये आपका बड़प्पन है, आपकी इस सफलता के पीछे आपकी रुचि और आपकी मेहनत ही रंग लाई है। तुम्हारी यही बात मुझे बहुत पसंद है, मेहनत करती हो पर उसका श्रेय तुम कभी अपने आप को नहीं देती। कितनी भोली हो तुम रामू। धनी आप पढ़िए, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए, मुझे आप पर गर्व ही होगा। वो तो पढ़ूंगा ही,
पर उसके पहले मुझे बड़ौदा जाना होगा। वहाँ क्यों? क्योंकि मेरी शिक्षा के लिए सयाजीराव गायकवाड़ जी ने मेरी बड़ी मदद की थी। अब उनके यहाँ नौकरी करके मुझे उनका कर्ज उतारने जाना ही होगा। मगर घबराओ मत, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ सभी हैं। नहीं जी, मेरा मतलब वो नहीं था, पर कम से कम बच्चे का मुंह तो देख जाते। उसके लिए मैं सयाजीराव को दिया हुआ वचन तोड़ दूं? नहीं, पर बच्चे का नाम क्या रखें ये कौन तय करेगा? मैंने तय कर लिया है, तुम्हें पहला बेटा ही होगा और उसका नाम हम यशवंत रखेंगे। यशवंत? हाँ यशवंत, ज्योतिबा फुले जी ने गोद लिए हुए बच्चे का नाम यशवंत ही रखा था। वो मेरे आदर्श हैं, इसलिए हम बच्चे का नाम यशवंत ही रखेंगे। क्यों जी, आज आप बड़े खुश लग रहे हो। अजी सुनती हो? हाँ? हमारी रमा बेटी को लड़का हुआ है। अरे क्या कह रहे हो? अच्छा जच्चा और बच्चा कैसे हैं? बिल्कुल तंदुरुस्त। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। गौरा जा, भगवान के सामने कुछ मीठा रख देना। हा? हाँ। पर बच्चे का नाम क्या रखेंगे? यशवंत। वाह वाह वाह, बड़ा प्यारा नाम है। मेरे भीवा को भी पढ़ाई में ऐसी ही कामयाबी मिली है, और ये भी तो बेटा ही पैदा हुआ है। रखो रखो, यशवंत नाम रखो। हाँ सही कह रही है आप, उन्होंने भी यही कहा था, यशवंत नाम रखना है। बड़ा अच्छा नाम है, है ना यशवंत। हमारा यशवंत अब 1 साल का हो जाएगा। बाबा बाबा बोलने लगा है, कभी कभार थोड़ा बीमार हो जाता है, पर उससे ज्यादा तो बाबा की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ती जा रही है। वो आपको याद करते हैं, इसलिए हो सके तो आ जाइए, अच्छा रहेगा। बाबा की तबीयत खराब है, मुझे अभी निकलना होगा। अरे अरे बहू, मेरा बीमा कहाँ है? बाबा वो बड़ौदा गए हैं ना? हाँ बड़ौदा। बड़ौदा में गया है ना? क्या खाता होगा मेरा भीमा? मेरा भीमा अकेला ही रहता है ना बड़ौदा में। बाबा बाबा वो ठीक है। हाँ आप अपना ख्याल रखिए और थोड़ा आराम से लेट जाइए, लेट जाइए। मेरा भीमा, हाँ? मेरा भीमा क्या खाता होगा बड़ौदा में? बस आप लेट जाइए। राम दीन की तबीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही है, बीमा पता नहीं कब तक आएगा ये समझ में नहीं आ रहा। उनकी उनकी बीमारी तो बढ़ती ही जा रही है, अब क्या किया जाए? अरे देखो आ गया, क्या? बीमा आ गया। आ गया। बाबा आनंद, देखो बीमा आ गया। क्या हुआ बाबा को? बुखार इतना तेज है कि उतार ही नहीं रहा है। सुनिए, रात भर आंखें जग रही थी उनकी, बस आपके नाम की माला जप रहे थे। बाबा बाबा मैं आ गया, अब मैं दोबारा बड़ौदा नहीं जाऊंगा। भीमा 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 तू आ गया? हाँ, मेरा मेरा यशवंत कहाँ है? बेटी सुनो, बेटी तुम्हारे पति को खूब पढ़ने दो, खूब पढ़ने दो भीमा। हाँ बाबा। खूब पढ़ना, अपने समाज बंधुओं को सही राह दिखाना। अब तक हमारे समाज बंधुओं पर हुए अन्याय को तुम दूर करो। भीमा भीमा बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। बाबा मैं खूब खूब पढ़ूंगा, मेरे दलित बंधुओं पर हो रहे अन्याय को दूर करूंगा, उनमें जग रही हीन भावना को दूर करूंगा।
बाबा, मैं अपने दलित समाज को न्याय दिलाकर रहूंगा। बाबा, बाबा, दादा, बाबा। रामू, रामू, अरे सयाजीराव गायकवाड़ महाराज जी ने मुझे उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मंजूर की है। उच्च शिक्षा मतलब? अरे अभी यहाँ मैंने जो पढ़ाई की है ना, उससे भी बड़ी शिक्षा। हाँ, पर हमारी गृहस्थी? अरे रामू, हमारी गृहस्थी को इसकी आंच सहनी ही पड़ेगी। अगर आज हम ये आंच सहते हैं तो ही तुम्हें, मुझे और इस समाज को कल की आंच से बाहर निकालने का रास्ता मिल ही जाएगा। रामू, आपके बगैर? हाँ, मेरे बगैर, मेरे बगैर तुम्हें रहना है, हमारे बच्चे को संभालना है। अब कैसे कहूँ आपको? अहो, इस कोख में एक जीव और पल रहा है। मगर फिर रामू, बाबा के दिए हुए वचन का क्या? तुम ही बताओ रामू, इस वचन का महत्व है? इस समाज को न्याय दिलाना जरूरी है या फिर हमारी गृहस्थी? रामू, नहीं, आप पढ़ते रहिए, सच में आप खूब खूब पढ़िए और हमारी चिंता ना करें। मैं हूं ना आपके साथ। रामू, तुम अपना ख्याल रखना। आज अगर बाबा होते तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत ही ना होती, पर रामू, मैं जा तो रहा हूं पर मेरा मन हमेशा यहीं रहेगा। मेरे यशोन का ख्याल रखना, कोख में पल रहे मेरे बच्चे का ख्याल रखना, उससे कहना तुम्हारे बाबा खूब खूब पढ़ेंगे और तुम्हें भी खूब पढ़ाएंगे। मैं उसे समझाऊंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए और अपना ख्याल रखना। समय में तो भाई साहब को यहाँ आना चाहिए था। अरे, वो वहाँ विलायत में है, वो यहाँ पे कैसे आएगा? लेकिन मैं कहती हूँ, ऐसे पढ़ाई की क्या जरूरत है जो किसी को अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से दूर रखे। मुझसे उस बच्चे की और रमा की हालत देखी नहीं जाती। अरे, अभी अभी तो जन्म लिया है बच्चे ने। अरे, वो डॉक्टर भी तो दवाई देने से इनकार कर रहा है। अरे लक्ष्मी, अब क्या करें? वो हमें दवाई जरूर देगा लेकिन अपने पास पैसे नहीं है। अब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? देखो, वो बच्चा फिर से रोने लगा। ओ, अरे मेरा बच्चा,
ना रो बेटा, ना रो। कम से कम उसके सर पे नमक की पट्टी तो रख दो ना। हम ले आएंगे, हाँ दवा, हाँ हम ले आएंगे अपने बच्चे के लिए दवा। ना रे मेरे बच्चे। समय पर दवाई नहीं मिली इसलिए बच्चे की मौत हो गई। क्या हो गया? मेरा बच्चा, समय पर दवाई ना मिलने के कारण बच्चे की मृत्यु हो गई। उसका पिता होने के बावजूद मैं उसे बचा नहीं पाया। उसका पिता कहलाने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। बेटा रमेश, मैं तुम्हारा अपराधी हूं और इस अपराध की तुमने मुझे बहुत बड़ी सजा दी है। मेरा नहीं तो कम से कम अपनी माँ का, जिसने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा, उसके बारे में तो सोचा होता। उसे कितना दुख हुआ होगा। कैसे जाऊं उसके सामने। रमेश। अरे चल, पढ़ाई करते नहीं हो, बस दिन भर खेलते रहते हो। लिखाई में ध्यान नहीं है, पूरा दिन खेलना। चल 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 जल्दी। लिख। मैं नहीं लिखूंगा। नहीं लिखेगा मतलब? लिख कहा ना, चल लिख दे, लिख। मैं नहीं लिखूंगा। बस खेलना चाहिए तुम्हें, बस दिन भर खेलते रहो, दिन भर खेलते रहो। रमा, अगर वो ना पढ़ना चाहता है तो ना पढ़े, उसे मार क्यों रही हो? क्योंकि अब मैं शिक्षा का महत्व जान चुकी हूँ। इस समाज में हमारे लोगों के साथ किस तरह बर्ताव किया जाता है देख रही हो ना। रास्ते पर थूकना मना है, इसके लिए गले में मटका डाल के घूमो, कहीं हम छू ना दे इसलिए आवाज देकर चले। हम भी इंसान हैं, फिर भी हमें मंदिर जाना मना है। पानी मतलब जीवन, पर वहां भी हमारी जात पात। जानवर से भी बुरा बर्ताव करते हैं हमारे साथ। बाबूजी यूं ही नहीं तरसते थे इनकी शिक्षा के लिए। क्यों भीमराव, सब कुछ अच्छा चल रहा ना? जी। नमस्कार साहब। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? खांसी हो गई है। खांसी? अरे तो जरा डॉक्टर के पास लेके जाइए। जी जी। बाबा दवाई समय पर लेते जाइए। चलो 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 चलो, ऐसे क्यों खड़े हो? भीमराव के स्वागत की तैयारी करो। अपना हाँ? भीमराव एमए पास हो गया है। या भैया, एमए हो गए? अरे मेरे यशवंत, मेरे मुकुंद, कैसे हो? हाँ? चलो 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 चलो। रामू। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आपसे कुछ कहना था। माजे की तबीयत बिगड़ती जा रही है, बस आपको देखना चाहती है। रामू, तुम अच्छी तरह से जानती हो कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं है, और फिर भी तुम मुझे। रमा, ए रमा, भाई साहब देखिए ना, माजे कैसा अजीब बर्ताव कर रही है। हाँ? तुम्हारा ही नाम ले रही है। चलो ना रमा। हाँ, चलो चलो। माजी, माजी, बेटी, भीमा आया क्या? वो आ गए। माजी, चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगी। आओ।
रामो संभालो अपने आप को, वो सौतेली ही सही पर मेरी माँ थी। उनसे चाहे मेरी कितनी भी अनबन सही, फिर भी बेटे के नाते उनका अंतिम संस्कार करना मेरा कर्तव्य है। अच्छा तुम यहाँ हो, अभी अभी खबर मिली है। क्या है? भीमराव जी की सौतेली माँ जीजा गुजर गई। कहाँ? हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? अरे एक के बाद एक इस घर पर विपदा आन पड़ी है। जो कहा जाता है वो बिल्कुल सच है, एक बार विपदा आनी शुरू हो गई तो साथ ही आ जाती है। अब इंसान को एक ना एक दिन तो जाना ही है। दामाद जी अपना कार्य पूरा करके बड़ौदा गए हैं अपनी नौकरी के लिए। अजी अब उनको बड़ौदा जाने की क्या जरूरत थी? इतने पढ़े लिखे हैं, कहीं भी उनको नौकरी अच्छी से मिल ही जाती। ये क्या कह रही हो? महाराज ने जब छात्रवृत्ति दी थी तब इन्होंने वचन दिया होगा उन्हें, उसे निभाना तो होगा। अजी अब मुझे क्या उसमें समझ में आता है? हाँ, लेकिन दामाद जी पर पूरा भरोसा है मुझे, दिया हुआ वचन वो कभी तोड़ेंगे नहीं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ अजी वो सब ठीक है, अब मुझे बताइए इस घर को अब कौन संभालेगा? मतलब अब ये सब रमाई संभालेगी? ऐसा क्यों कहती हो? उनके बड़े भाई आनंद राव है ना, और दामाद जी बड़ौदा से आते जाते रहेंगे ही। अब वो क्या विलायत थोड़े गए हैं? पर चल चल कुछ भी बोलती रहती है, चल खाना परोस दे। ये क्या ताई, कहाँ जा रहे हैं इस हालत में? रमा वो क्या है ना कि इनको जरा अचानक तकलीफ शुरू हो गई है, तो मैं मैके जाकर इनके साथ दवा ले आती हूँ। हाँ पर मेरी तबीयत की छोड़ो, पर मेरे पीछे घर का ख्याल रखना, और हाँ बीमा को संभालना, उसे हमें आसमान जितना बड़ा करना है, हमारी आंखों में ना समा सके उसे इतनी सफलता हासिल करनी है। बाबा की भी यही इच्छा थी, अपनी जान से भी ज्यादा उसे संभाल कर रखना। और हाँ हम लोगों को भूलना मत। दादा पर ऐसा क्यों कह रहे हैं? दादा क्या? दादा दादा की तबीयत इतनी खराब थी और मुझे बताया भी नहीं। जिसके भरोसे मैं अपना घर छोड़कर आया था, अब वही नहीं रहा तो मेरे घर का क्या हुआ होगा? मुझे बिना देरी किए हुए यहां से निकलना होगा। लक्ष्मी चुप हो जा, मत रोना, मत रोना मेरी बेटी, मत रोना। अरे बीवा, अरे तुम्हारा दादा गया रे, अब हमारा क्या हो गया, ये सब क्या हो गया? रामू दादा की तबीयत इतनी खराब थी और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। आहो उनकी तकलीफ अचानक पड़ गई, दवा लेने ससुराल क्या गए और वही पर दादा के भरोसे ही मैं बाहर था, पर अब नहीं, अब मुझे यहीं कोई नौकरी ढूंढनी होगी। मैं नहीं जा सकता, नहीं जा सकता तुम लोगों को छोड़कर। और फिर मैंने सिडनम कॉलेज में नौकरी कर ली। रामू, ए रामू। अरे सुनती हो रामू? हाँ। या भैया इतनी किताबें? अरे हाँ हाँ हाँ, पहले मुझे अंदर तो आने दो, हटो दो। हाँ पर ये इतनी किताबें क्यों लेकर आए? हाँ किसने दी ये किताबें आपको? बड़ी कीमती किताबें हैं ये रामू, वजनदार भी है।
इनकी कीमत ही 500 रुपये है। कॉलेज की मेरी पहली तनख्वाह से लाया हूँ मैं इन्हें। 500 रुपये? 500 रुपयों की सिर्फ किताबें? पर फिर वो राशन? रामू, सारे पैसे इसी में लग गए। मैं और कुछ नहीं ला पाया तुम्हारे लिए, इस बार कैसे भी काम चला लो। नहीं पर मैं क्या कहती हूँ, 500 रुपयों जैसा है क्या इन किताबों में? मुझ जैसे अनपढ़ को क्या समझेगा भला। पर साहब, नहीं मतलब आपकी इन किताबों में पति पत्नी बच्चों का ध्यान कैसे रखे, उनके साथ कैसा बर्ताव करे, उनका ख्याल कैसे रखे, उन्हें प्यार कैसे करे, ऐसा कुछ तो लिखा ही होगा ना। तो पढ़ के दिखाओ ना मुझे अनपढ़ को। रामो, तुम बोलने में बड़ी तेज हुआ। अगर तुम जरा भी पढ़ी लिखी होती ना, तो मुझ जैसे पढ़े लिखे प्राध्यापक के मुंह पे भी ताला लगाने में कामयाब हो ही जाती था। चला। अरे बच्चों, अरे जब देखो तब खेल खेल खेल, अरे थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लिया करो, जाओ खेलो वहाँ पे, चलो जाओ, जब देखो तब खेलते रहते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ताई, झींगे को भून लिया ना? उनको झींगे की चटनी बहुत पसंद है। बस इतनी रोटी होने दो, फिर भून देती हूँ, भून दूंगी। क्या कर क्या रहे तेरा साहब? नहीं दिखाई नहीं दिया इसलिए पूछ रही हूँ। पढ़ रहे होंगे। और क्या, नई किताबें लेकर आए हैं? बस उसी को पढ़ रहे। पर कुछ काम था क्या उनके पास? मुझ मरी का क्या काम होगा उसके पास? इतना पढ़ा लिखा, इतने अच्छे वेतन की नौकरी, पर अभी तक पढ़ाई नहीं छुट्टी उसकी। और एक ये बच्चे हैं, करो करो बोलती हूँ फिर भी पढ़ाई का नाम नहीं लेते, और वो, उसको तो अपनी पढ़ाई के सामने भूख प्यास भी नहीं लगती। तुम लोगों को मालूम है, अब बैठा होगा दरवाजा बंद करके अंदर और सिर गड़ा होगा किताबों में। तुम क्यों हंस रही हो? चलो खाना बनाओ जल्दी जल्दी। आप चिंता मत कीजिए, बस हो गया खाना। हो गया ना, तो अभी एक काम कर, जा अभी जाके उसे बुला के ला। अभी जाके बुलाओगी तो खाना परोसने के बाद आएगा वो। ये भी सही है। अरे बच्चों, अरे खाना खा लो और थोड़ी पढ़ाई भी कर लिया करो, खाना पीना भूल ना जाए बस। अजी सुनते हो? अजी सुनिए ना, अरे दरवाजा तो खोलिए अजी। क्या है ये रामू? एक तो बच्चों का इतना शोर शराबा, उसमें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, और जरा मन लगा नहीं कि बस तुम आ जाती हो दरवाजा खटखटाने। कैसे करूं मैं पढ़ाई? नहीं मतलब भूख प्यास कुछ लगती है कि नहीं आपको? खाना बन गया है यही कहने आई थी। मुझे नहीं खाना है। अत्ता, अहो, अब इतना क्या गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा क्यों, अगर तुम मुझे इसी तरह सताओगी ना तो मुझे दूसरी बीवी लानी पड़ेगी। अच्छा, लाकर तो दिखाओ दूसरी बीवी। अरे एक क्या छप्पन ले आओ, पर एक को भी इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। अरे आप क्यों हंस रहे हो? मैं भी देखती हूँ कौन सी शूर्पणखा खा ले आते हो। अरे वाह, मतलब तुम्हें गुस्सा करना भी आता है? जब आप बेमतलब की बातें करोगे तो गुस्सा क्यों ना करूं? एक तो भूख प्यास भूल कर इतना थक कर शाम को घर आते हो, आने के बाद भी आराम करने के बजाय किताबों में मगन हो जाते हो, मुझे फिक्र नहीं होगी आपकी? और मेरे जिंदा होते हुए अगर आपको भूखा सोना पड़े तो मतलब ही क्या मेरी जिंदगानी का? क्या कहने आई थी, भूल ही गई। खाने का ना? हाँ। अरे तुम इतना कुछ बोल चुकी हो कि मेरा पेट बिल्कुल उसी से भर गया है। अच्छा, तो झींगे की चटनी और भाकर नहीं चाहिए ना आपको? झींगे की चटनी और भाकरी? रामू रुक जा, मैं आता हूँ। ए रामू। ओ अंबेडकर, अंबेडकर। कौन आया है? कौन है देख तो। अगो भैया, लक्ष्मी ताई। हाँ? शाहू महाराज आए हैं। क्या बोल रही है? देखो तो। अरे सही कहा तुमने, अजय सुनते हो, शाहू महाराज आए हैं। वाकई सच?
आइए महाराज आइए। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए ना। अंबेडकर, आप तो हमारे घर आते नहीं, तो सोचा कि हम ही चले जाएं। रमाताई, एक प्यारी चाय मिलेगी आपके हाथ की? लाती हूँ। अंबेडकर, हर मर्द की सफलता के पीछे स्त्री होती है, हमारी रमाताई जैसी। अहो। हाँ? चाय। हाँ। लीजिए। वाह रमाताई, बहुत अच्छी बनी है चाय। लाओ। अंबेडकर, आप उच्च शिक्षा के लिए लंदन जा रहे हैं, तो हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। धन्यवाद। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, पर विलायत जाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। बस ये आखिरी बार है, इसे पार नहीं किया तो आज तक जो मेहनत की है उस पर पानी फिर जाएगा। नहीं, जाओ आप, हमारी चिंता मत कीजिए। रामू, मैं 3 साल के लिए जा तो रहा हूँ, पर इन 3 सालों में हर पल मेरे मन की क्या हालत होगी मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। रामू, एक पल भी तुम्हारी यादों के बिना नहीं गुजरेगा मेरा। ये क्या? अहो, ये आंसू औरत की आंखों में अच्छे लगते हैं, मर्दों के नहीं। और अब ऐसे समय हमारे बारे में सोचने के बजाय बाबूजी के विचारों को याद करें, हमारे समाज पर हो रहे अत्याचार याद कीजिए, अपने मन पर काबू पाकर देह पूर्ति की ओर कदम बढ़ाइए। चुप हो जा बेटे, मैं क्या करूं बेटा, मैं बिल्कुल असहाय हो गई हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, तेरा इलाज कैसे करवाऊं बेटा। कोरा, अरे यहां बैठकर क्या कर रही है तू? हाँ, ये गोरी, अरे इतना क्या सोच रही है तू? शंकरिया, मुझे ताई की बहुत याद आती है, कैसी होगी वो? मुझे भी बहुत याद आ रही है उसकी, और जीजा जी भी तो दोबारा विलायत चले गए ना। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ। अरे ऐसे कितनी बार भाऊजी विलायत जाते रहेंगे? अरे हमको क्या समझ है उस बात की, और जिस बात का हमें ज्ञान नहीं है उस बारे में हमें बोलना ही नहीं चाहिए। सच बोल रहे हो तुम, जाने वाले को जाने दो, पर हमारे ताई को सब अकेले संभालना पड़ता है। मैं तो चाहती हूँ कि उसके पास जाकर रहूँ, मगर चाचा की भी तो तबीयत ठीक नहीं, उन्हें अकेले छोड़ के कैसे जाऊँ? अब जाकर तुमने पते की बात बोली है। गंगाधर के बारे में पढ़कर बहुत दुख हुआ, उसके बिना सारा जीवन दुखी लग रहा है। तुम्हारा दर्द बड़ा है क्योंकि तुम उसकी माँ हो, लेकिन रामू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं यहां भूखा रह रहा हूं,
फिर भी आप लोगों को पैसे भेज रहा हूँ। पैसे मिलने में देर हो जाए तो घर में जो भी हो उसे बेच बाज कर घर खर्च चलाना, बाकी मैं वहां आने पर देख लूंगा। रमा ताई, ताई मेरा पति वहां मेहनत कर रहा है, भूखा प्यासा रह रहा है और हमारे लिए पैसों का इंतजाम कर रहा है और उन पैसों पर हम भर पेट खाना खाएं। नहीं नहीं, अब मैं पैसों की बचत करके वहां भेजूंगी, तभी बस तभी इस पेट में अन्न का दाना डालूंगी।
भेज रही हूं, पर भूखे मत रहना, अपना ख्याल रखिएगा। हम सब मजे में हैं, हमारी चिंता मत कीजिए। आपकी रामू। रामू, अपना जी चला कर इतना सब करने की क्या जरूरत थी? तुम कितना भी कह लो, फिर भी मुझे पता है तुम लोग किस तरह से दिन काट रहे हो। अब क्या कहूं मैं तुम्हें? नहीं, यह मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था। रमा, देखो तो इतना ही आटा बचा है। या भैया, अच्छा इसे गुंथिए, बच्चों को परोस देते हैं। हमारा क्या है, हम नहीं खाएंगे। डालिए। मैं चल रहा हूँ आपके साथ, लेकिन बात आप ही करेंगे। समझाइए उन्हें। नहीं नहीं, बात आप ही को करनी पड़ेगी। आप ही को समझाना पड़ेगा। सुनती है, लेकिन मेरी बात सुनिए। रमा, ए बेटी रमा। रमा, बाहर कोई पुकार रहा है, जरा देखो तो। अरे कमाल है, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? रुको जरा। रमा, देखो तो। देखती हूँ। ए बेटी रमा, आ रही है। रमा आ रही है। नमस्कार। अरे ढूंढी बा, मेहमान आए हैं तुमसे मिलने के लिए। ये सभी लोग समाज सेवा करते हैं। हाँ, ये चित्रे साहब, ये गुप्ते साहब, ये घोरपोड़े साहब और वो वाघमारे साहब, इनकी साहब के ऊपर बहुत श्रद्धा है। अच्छा अच्छा, पर आप सब खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए, मैं अभी चाय लाती हूँ। चाय पीने के लिए नहीं आए हम लोग। घर में कोई मर्द ना होने के बावजूद भी आप इस घर के लिए कितनी कष्ट सह रही हैं। हाँ, हम देख रहे हैं ना। हमने सोचा हम आपकी थोड़ी मदद कर दें, इसीलिए कुछ पैसे लाए थे आप लोगों के लिए। आपकी बात तो ठीक है, पर माफ करना, ऐसा है इस समाज में हमसे भी बहुत गरीब लोग हैं, जो दीन दुर्बल चाहते हुए भी अपनी दुर्बलता के कारण मेहनत नहीं कर सकते, भूख से मर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे गरीब दीन दुर्बल लोगों की मदद करेंगे, हाँ? तो उनकी भूखमरी भी टल जाएगी और उनके आशीष भी आपको मिल जाएंगे। और मुझे जिस दिन जरूरत होगी, मैं खुद ही आकर आपको कहूंगी। क्यों ढूंढी बा? अरे बेटी, साहेब परदेश गए हैं ना, किस लिए? अपने समाज का भला कर सके, जानती हो ना। हाँ। हाँ। अगर ये थोड़ी मदद करना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? हाँ। पर ढूंढीबा, हाँ? अरे उन्हीं साहब के तत्वों में उसकी कोई जगह नहीं। हाँ? और उन्हें शर्मिंदा होना पड़े, ऐसा कोई भी काम मैं कभी नहीं करूंगी, फिर चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। आप सब आए इसलिए धन्यवाद। अरे बेटी, कहा था ना तुम लोगों से, नहीं मानेगी वो। चलो। हाँ, चलो। रमा, वो लोग हमारी मदद करने के लिए आए थे और तुमने मदद लेने से मना कर दिया। अगर पैसे तुम्हें नहीं चाहिए थे तो ना लेती, पर वो दो बच्चे, अरे पेट भर के खाना खा लेते ना रमा। यहाँ हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जो है वो फटे हैं और खाने के भी वांदे हैं। और ऐसे बुरे वक्त में तुझे आई हुई लक्ष्मी को ठुकराना नहीं चाहिए था रमा। हम लोग कैसे भी रहेंगे, हम लोग कैसे भी रह सकते, पर वो बच्चे, उन मासूम बच्चों की क्या गलती है? पर लक्ष्मी ताई, ऐसे उनके पीठ पीछे अगर मैंने किसी के सामने हाथ फैलाए तो फिर उनकी मेहनत की क्या कीमत रह जाएगी? हाँ, अरे हम कहाँ गए थे उनके सामने हाथ फैलाने, वो खुद चलकर आए थे ना हमारे पास। पर वो भीखी हुई ना। अहो ताई, मेहनत की आमदनी के एक निवाले से भी पेट भर जाता है, पर भीख मिले तो सुकून नहीं मिलता। मेहनत करना
हमारे हाथों में है, और इसलिए जब तक ये हाथ पैर साथ दे रहे हैं तब तक हम मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। लक्ष्मीताई, हर कोई आपकी तरह सोचेगा तो हमारे समाज में बदलाव नहीं आएगा। सालों साल हमारा समाज अज्ञान के, अन्याय की खाई में ऐसे ही चढ़ता रहेगा। आज तक हर समाज में ऐसे किसी युग पुरुष ने जन्म लिया जिसने अपने त्याग और बलिदान से अपना समाज अज्ञान के अंधकार की खाई से बाहर कैसे निकले, इस एक ही बात पर अपना जीवन त्याग दिया। शायद हमारे साहब ने इस समाज के लिए युग पुरुष के रूप में जन्म लिया हो, फिर उनके इस पवित्र कार्य में हम थोड़ा सा हाथ बटा सके तो क्या हुआ। रमा, कहां से सीखे तुम इतना सब कुछ? तुम्हें देखकर मेरे मन को शांति मिली। अब मुझे कभी भी मौत आ जाए तो मैं खुशी से मर सकती हूँ। नहीं, मरने की बात मत करो नात्या भाई। अजी, वो साहब बनकर लौट आए बिना वो ईश्वर भी आपको कैसे मुझसे छीनता है वो मैं भी देखती हूँ। अरे, इतनी जोर से भूख लगी है ना कि किसी बात में मन ही नहीं लगता। मेरा भी तेरे जैसा ही हाल है। जब भूख ने पेट में आग हो लगाई तो बताओ कैसे होगी पढ़ाई। अब क्या करे? कुछ नहीं, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। तुम्हारे बाबा, मेरे चाचा, वो भी तो स्कूल गए थे ना, और वो आगे भी पढ़ रहे हैं ना, और हम इतनी सी पढ़ाई के लिए इतना नाटक कर रहे हैं। क्या? ऐसा मैं नहीं रे, अपनी मीरा जी कहती है रे। अरे बेटी रमा, रमा क्या हुआ आत्या भाई? तुम्हें नहीं, मैंने रमा को पुकारा। लेकिन वो घर पर कहाँ है? मतलब कहाँ गई, कहाँ वो? सुबह से दिखाई नहीं दी इसलिए पूछ रही हूँ। अरे बोलो तो सही, कहाँ गई वो? आत्या भाई, उसके काका नहीं रहे, वो वहीं गई है। अरे अरे, क्या कह रही है तू? मुझे कुछ भी बताया नहीं उसने। संदेशा आया था, वो काका के भरोसे अपने भाई बहन को छोड़कर यहाँ पर आई थी ना। अब वो काका ही इस दुनिया में नहीं रहे तो किसके दरवाजे पर छुड़ाएगी अपने भाई बहनों को? सच है लक्ष्मी, एक औरत होकर भी उसे इन सारी बातों का एहसास है, नहीं तो हमारे घर के ये मर्द लोग। देखिए ना, ये चले गए ससुर जी के, भाई साहब पढ़ाई करने के लिए विलायत चले गए, फिर हमारे इस घर का ख्याल रखने के लिए कौन बचा है हमारे घर में? क्यों, वो एक जो है। कौन? बाड़ाराम, भीवा के बड़े भाई के बारे में बोल रही हूँ मैं। पर वो तो बचपन में ही चले गए ना घर छोड़कर। हाँ, बचपन में ही भाग गया वो, और आज तक फिर कभी मुंह नहीं दिखाया उसने। अरे मेरी बात सुनो। हाँ हाँ, सुन तो। और क्या? हाँ, अमन बलराम के पास चलते हैं, समझे? हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो, नमस्ते बलराम भाई। नमस्कार, नमस्कार, आइए आइए। क्या हुआ? बालाराम भैया, हम सब पैसे इकट्ठे करके उसके घर पर गए थे। हाँ बालाराम भैया, हम लोगों ने उसकी मदद करने की बहुत कोशिश की, पर उसने तो बिल्कुल ही मना कर दिया। कहीं से भी हम उनकी मदद कर पाते तो हमें बहुत अच्छा लगता। हाँ, उस घर में तो सबकी भूखे मरने की नौबत आ गई है, ये हमसे नहीं देखा जा रहा। कल को भीमराव के बाद उनके कार्यकर्ताओं ने कुछ नहीं किया ये कहकर लोग थूकेंगे ना हमारे ऊपर। हाँ, हाँ। अरे लेकिन उस घर से तो मैं कब का अलग हो चुका हूँ। बालाराम, अब गुस्सा थूक दो और फिर एक बार वापस चलो। आप उस घर के लिए तो चलिए। भीमराव को विलायत से आने में अभी देर है, तब तक तो ढह जाएगा वो घर। देखो बालाराम भाऊ, अब इस घर को आप ही बचा सकते हो, दूसरा कोई भी नहीं। और आपने की हुई मदद को कोई ठुकरा नहीं पाएगा, क्योंकि आप उस घर के सदस्य हैं। देखिए, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन ढूंढी बा, अगर वहाँ मेरा दोबारा अपमान हुआ तो मैं क्या करूँगा बताओ? ऐसा नहीं होगा, वो बहुत ही ज्यादा समझदार है और उन्हें रिश्तों का एहसास है। आज तक उस औरत ने कभी किसी का अपमान नहीं किया, ना किसी का दिल दुखाया है। लेकिन मुझे पहचानेंगे कैसे वो? अरे वो चिंता आप हम पर छोड़ो, हम बताएंगे ना उसको। वो तो ठीक है, पर बालाराम भैया, अब ना मत कहना। ठीक है,
जैसी पांडुरंग की इच्छा। आओ आओ आओ, ये है हमारा घर, अब तुम दोनों यही रहोगे मेरे साथ। वैसे तो मेरी कब से इच्छा थी, पर काका की बीमारी के कारण वहाँ से हिल ही नहीं पा रही थी। अब कुछ भी चिंता मत करो, देखो मेरा घर बहुत अमीर नहीं है, पर जो भी रुकी सुखी मिलेगी उसी में खुश रहेंगे हम लोग। खैर तुम्हारी पहचान करा देती हूँ। अरे ये आत्या और ये लक्ष्मी ताई, और ये हमारा मुकुंदा, और देखो ये मेरे भाई बहन, ये गौरी और ये शंकर। दादी दादी मुझे भूख लगी है। अरे चली, बेटी रमा, चाय पानी का देखती हूँ, चलिए आइए। आप चलो मैं आती हूँ। रमा, अरे ढूंढी बा, आप कैसे आ गए, और ये मेहमान कौन है? ये मेहमान नहीं, इसी घर के सदस्य हैं। घर के? हाँ, मैं भीमा का बड़ा भाई, तुम्हारा जेठ हूँ। या भैया, इनके बड़े भाई, नमस्कार करते हैं। सुखी रहो, सुखी रहो। नहीं, वो क्या हुआ ना कि आज तक किसी ने बताया नहीं इनके बारे में, इसलिए पहचान ही नहीं पाई मैं। नहीं, उसकी वजह कुछ और ही है, हम बाद में बात करते हैं। जी हाँ, अरे आप लोग बैठिए ना, मैं चाय लाती हूँ। नहीं बेटी, हमें बहुत काम है, चाय पीने के लिए फिर कभी आएंगे। चलो बालाराम भाई, आप आराम से बैठिए। ठीक है, ठीक है, हम लोग निकलते हैं। चलो रे, चलो, चलो, रे, चलो। अच्छा अच्छा, कभी कभार आते रहिएगा। अच्छा बैठिए ना, आप, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ ठीक है। आज 3 साल हो गए भीमराव को विलायत गए हुए, पर रमा का स्वभाव वैसा ही है, इतना दुख इतने कष्ट उठाए, फिर भी जब भी देखो उसके चेहरे पे हंसी ही रहती है। सच कहती हो, कोई दूसरी होती तो अब तक हार मान जाती। भीमराव को समझने वाली, उनके विचारों में हाँ में हाँ मिलाने वाली इतनी अच्छी बीवी मिली है रमा के रूप में, उसी के साथ से आज इतने सफल हुए है वो। हाँ वो सब तो ठीक है, पर हम पर जो अन्याय हो रहा है उसे दूर करने के लिए तो इतने कष्ट उठा रहे हैं। अपना बच्चा खोया तब उन्होंने खुद को संभाला, और साहब को भी बोला आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं खुद को संभालने की कोशिश करूंगी, आप भी अपना ख्याल रखना। ओ सुन रे, अपना भीमराव याद है ना? अच्छा क्या बात करते हैं? ए रमा, ए बेटी रमा, अरे बालाराम भाई, ए रमा, अरे ढूंढी बा, अपना भीमराव साहब बनकर आ रहा है। अबू भैया सच? पर ना कोई खत ना चिट्ठी, ऐसे अचानक? अरे संदेश नहीं भेजा तो क्या हुआ, एकदम पक्की खबर है, बस तुम लोग स्वागत की तैयारी में लग जाओ। इतनी मीठी बात बताई, मुंह तो मीठा कीजिए, मैं गुड़ लेकर आती हूँ। अरे अभी नहीं, अभी बहुत लोगों को बताना है, पहले यहीं आके बताया। अरे चलो रे, चलो, हाँ चलो चलो, जाइए जाइए। ए रमा, अपना भीमा साहब बन के आ रहा है, तू एक काम कर, तू है ना अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी लेकर आ, मैं जाकर आता हूँ। अच्छा अच्छा, अरे शंकरिया गौरी सुना ना आप सबने, चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हमें बाजार जाना है। ये साहब बन के आ रहे हैं। मेरा तकिया अच्छा है, मेरा तकिया अच्छा है, नहीं मेरा तकिया, मेरा तकिया अच्छा। अरे बच्चों ये क्या कर रहे हो, रख दो उसे, नए है ना। हाँ ताई, एक बात पूछूं? पूछो ना। ये धोती कुर्ता किसके लिए? अरे ऐसे क्या पूछ रहे हो, अपने साहब के लिए है। और ये गद्दा? वो भी साहब के लिए। और ये तकिया, ये भी साहब के लिए है। बराबर पहचाना। हाँ मगर ताई, तुमने अपने लिए तो कुछ भी नहीं लाया, एक साड़ी तो लेके आ सकती थी, जो भी लाया सब साहब के लिए, अब उनके स्वागत के लिए क्या तुम फटा पुराना पहन के जाओगी? अरे अब वो विलायत से आ रहे हैं तो लोग उन्हें देखेंगे या मुझे, और अब तो वो साहब बन गए तो अब इन सब अच्छी चीजों की जरूरत उन्हें है, और अब मुझे क्या करना है इनसे, मुझे तो ऐसे ही रहने की आदत पड़ चुकी है। हाय राम, मैं भी क्या आप लोगों के साथ बातों में लग गई, कितने काम पड़े हैं, वो कभी भी आ जाएंगे। चलो चलो शंकरिया, तू ये सब उठा के रख दे, चलो बच्चों मेरे साथ चलो, चलो चलो, बहुत हो गई मस्ती। रमा, अरे बेटी रमा। ढूंढी बा, अरे बालाराम भाई, लगता है वो आ गए। क्या ढूंढी बा, क्या हुआ, वो आ गए क्या? अरे बेटी रमा, अरे अब क्या, अरे क्या हुआ, एक बहुत बुरी खबर है। बोलो तो सही। अपने साहब, अपने साहब जिस नाव में आ रहे थे वो डूब गए, डूब गई वो। अरे चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, रो मत। ढोंडी बा, ये बात सच तो है ना? अरे बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो,
भावजी, उन पर गुस्सा मत कीजिए। खबर पक्की हो या झूठी, मेरा दिल मुझे कहता है कि मेरे पति, मेरा सुहाग सलामत है। कितने ही पीड़ित लोगों की आशाएं जुड़ी हैं उनके साथ, गरीबों की दुआएं हैं उनके साथ, फिर उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? इन करोड़ों जनता का उद्धार करता उनका उद्धार किए बिना ही कैसे चला जाएगा? उनका जन्म ही लोगों के उद्धार के लिए हुआ है, तो फिर अपने इतने भाई बहनों को निराश वो कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, उन्हें आना ही पड़ेगा। जरूरत पड़ी तो यम देवता को ठुकरा कर भी उन्हें आना ही पड़ेगा। रमा बहन, अपने आप को संभालना। मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों को क्या हुआ? क्यों रो रहे आप लोग? आपके भीमराव सुरक्षित हैं। पर रमा, धोनी बा क्या कह रहे हैं ये तो सुन ले। भाऊजी, आप दोबारा पूछताछ करके आइए, मेरा विश्वास गलत नहीं हो सकता। वैनी, 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 गुप्ते क्या हुआ? बालाराम भाऊ, रमा वैनी, देखो ना, नसीब बलवान है इसलिए। मतलब मेरे पति? अजी, हमारे साहब भीमराव साहब सुरक्षित हैं। अरे लेकिन ऐसा हुआ कैसे? नाव तो डूब गई थी ना? नाव डूब गई ये बात सच है, लेकिन उस नाव में हमारे भीमराव साहब थे ही नहीं, वो तो कल सुबह की नाव से आ रहे हैं। हे विठला, तू बड़ा दयालु है, इन्हें सही सलामत भेज रहे हो। पर ये झूठी बात किसने फैलाई होगी? वो हुआ यूं कि साहब की भेजी हुई किताबों की गठरी नाव में थी, वो किताबें डूब गई। अरे किताबों का क्या, दोबारा ले सकते हैं। और ये सारी गड़बड़ किताबों की वजह से हुई। बोलो बाबा साहेब अम्बेडकर की जय, भीमराव अम्बेडकर की जय, भीमराव अम्बेडकर की जय, भीमराव अम्बेडकर की जय, भीमराव अम्बेडकर की जय। बैरिस्टर बन के दूर देश से आए जब अंबेडकर, बैरिस्टर बन के दूर देश से आए जब अंबेडकर, नजर भीम की ढूंढ रही थी रमा को हर डगर, नजर भीम की ढूंढ रही थी रमा को हर डगर। मुझे मेरी वो रमा साहब दिल में बोले, साहब दिल में बोले, दिखे ना मुझे मेरी वो रमा साहब दिल में बोले, साहब दिल में बोले। याद में बाबा रमा बाइक रोते रोते बोले, रोते रोते बोले, मिलन को तरसे नयन ये रमा, मिलन को तरसे नयन ये रमा, ढूंढ रही है नजर, नजर भीम की ढूंढ रही थी रमा को हर डगर, नजर भीम की ढूंढ रही थी रमा को हर डगर।
को वस्त्र की दशा बुरी थी, वस्त्र की दशा बुरी थी। पहने जरी का फेटर माई राह में खड़ी हुई थी, राह में खड़ी हुई थी। पहने जरी का फेटर माई राह में खड़ी हुई थी, राह में खड़ी हुई थी। दिल भर के आया भीम राव का, भर के आया भीम राव का। रमाई को देख कर नजर भीम की ढूंढ रही थी रमा को हर डगर, नजर भीम की ढूंढ रही थी रमा को हर डगर। सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हमारे साहब इतना लंबा सफर तय करके थक कर लौटे हैं, अब उन्हें आराम की जरूरत है। अब वो आप लोगों से सुबह मिलेंगे। हाँ, अभी आप अपने घर जाइए। भीमराव अंबेडकर की जय हो, भीमराव अंबेडकर की जय हो, भीमराव अंबेडकर की जय हो। रामू, अरे ये क्या, ये जरी वाला साफा तो शाहू महाराज ने मुझे एक सत्कार समारोह में दिया था। हाँ, मुझे बहुत पसंद आ गया इसलिए पहन लिया। नहीं भाई साहब, सच तो ये है कि बाड़ा भाई साहब ने रमा को नई साड़ी लेने के लिए पैसे दिए थे, पर इसने तो उन पैसों से इसने धोतर जोड़ी, बिस्तर और तकिया लाई। रामू, वो ये कुछ भी बोलती रहती है। अरे आप जानती नहीं हो क्या किसके सामने क्या बोलना चाहिए? देखिए, आज कितने दिनों के बाद बाबूजी का सपना पूरा हो रहा है, तो उनकी तस्वीर के सामने कुछ मीठा रखते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। रुक जाओ रामू, बाबा का सपना पूरा हो रहा है पर तुम्हारा? मेरा क्या है, आप लौट आए यही सब कुछ है। चलिए आइए। बाबा, हमारे समाज को लगा हुआ छूत अछूत का कलंक मैं नष्ट कर दूंगा, आप मेरा सहारा बने रहिए और इस लड़ाई के लिए मुझे शक्ति दें। ऐसी बात है गौरी, तूने अपने दीदी को देखा ना? सच है, ताई कितना काम करती है और बच्चे कितने मस्ती कर रहे हैं। अरे झगड़ा कर रहे हो कि खेल रहे हो? अरे आप दोनों की बातें अभी तक खत्म ही नहीं हुई, कितने काम पड़े हैं और तू यहाँ क्या कर रही है? अरे यशवंता मुकुंदा, पढ़ाई वढ़ाई करनी है कि नहीं? सुना, चलो पढ़ाई करने चलो, जल्दी चलो। चलो जब देखो तब खेल खेल। अरे रमा, तुम्हारे साहब आ गए ना विलायत से, फिर अब तो जरा आराम दे, अपने जी को बहुत थक गई है। अपने नसीब में ईश्वर ने मेहनत ही लिखी है। और ऐसा है लक्ष्मीताई कि हमारे अपने कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, पर उन्हें कोई अपने नजदीक नहीं आने देता क्योंकि हम अछूत हैं। ऐसा क्यों कहती हो? अपने भाई साहब इतने पढ़े लिखे हैं तो उसका फल उन्हें जरूर मिलेगा। सच? अगर ऐसा हुआ ना तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। ऐसा क्या?
हाँ हाँ सबको शक्कर बांट दो। अरे आप, एक अच्छी खबर है। अरे सच कह रहा हूँ। मतलब? क्या हुआ, मैं अपने ही ख्यालों में रास्ते से जा रहा था तो मेरी एक मोटे इंसान से टक्कर हो गई और इत्तेफाक से वो मेरे ही काम का निकला। बाल कृष्ण गणेश मोड़क, हाई कोर्ट में वकालत करते हैं वो। मगर आप उनके साथ टकरा गए, इस बात पर झगड़ा मारपीट हो जाती तो? पर बुरी घटना से अच्छा नतीजा निकला ना, फिर भी तो अभी तक वही पर अटकी हुई है। जा भगवान के सामने शक्कर रख। हाँ। ए, रुको रामू, मैं तुम्हें लंदन का एक किस्सा सुनाता हूँ। वहाँ मुझे लॉ डिग्री देते समय उन्होंने क्या कहा पता है? क्या? मिस्टर भीमराव वामजी अंबेडकर, I hereby call you to the bar and publish you barrister. क्या चल रहा है भाई, मुझे भी तो बताओ। दादा समय पर आ गए। अरे इनका भी मुंह मीठा करो। क्यों नहीं, इनका मुंह तो सबसे पहले मीठा कराना होगा। जब किसी का भी सहारा नहीं था, ये आए और उस समय पूरे घर को सवार लिया। इनके उपकार तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये क्या हो रहा है रमा, इसमें उपकार कैसा? ये घर क्या मेरे लिए पराया है? फिर भी दादा, मुसीबत के समय जो मदद करता है वही सच्चा हमदर्द होता है, इसलिए तुम्हारा एहसान मानो उतना कम है। ये क्या चल रहा है दोनों का, एहसान क्या उपकार क्या, बिल्कुल पराया कर दिया है मुझे। अरे मैं तो यहाँ एक खुशखबरी सुनाने आया था। कौन सी? मैं शादी कर रहा हूँ सुगंधा से। बाराराम, ये क्या कह रहे हो तुम? अरे कितनी छोटी है वो तुमसे, तुम्हारी बेटी की समान, और तुम कह रहे हो कि तुम उससे शादी करोगे? हाँ, अरे पहले मेरी बात तो सुन, उसके घर वालों ने भी हाँ कर दी है, समझी? पर दादा आपको तो कुछ सोचना चाहिए, उसके घर वाले लाख मान जाए पर आपको तो सोचना चाहिए। अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो आपकी उम्र को शोभा दे ऐसी औरत से करो, फिर चाहे वो कोई विधवा ही क्यों ना हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। वाह 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 भीमराव साहब, वाह, दादा दादा कहते हो और मुझे उपदेश देना शुरू कर दिया, इसीलिए आज तक इसके साथ मेरी कभी निभी नहीं और ना ही कभी निभेगी। गलती हो गई जो इस घर में वापस आया, आज के बाद मैं इस घर में कदम भी नहीं रखूंगा। अरे भौजी, अरे रुके ना। रामू मत रोको उसे, बचपन में भी ऐसे ही किया था उसने, बाबा ने दारू पीने से मना कर दिया था तब भी ऐसे ही घर छोड़कर चला गया था, आज भी वो खुद को बदल नहीं पाया है। रामू ये समाज आज हमारी तरफ एक आदर्श भावना से देखता है और उसका अगर कोई गलत फायदा उठाए तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसका इस तरह से अचानक निर्णय लेकर घर छोड़ जाने का दुख मुझे भी है, पर उसके लिए मैं पश्चाताप नहीं करूंगा। रामू समाज परिवर्तन का महान कार्य करने में जा रहा हूं, तुमने मेरी ताकत बनकर आज तक मेरा साथ दिया, इसके आगे भी देना। मैं सिर्फ एक और एक ही धर्म जानता हूं और वो है मानवता, जानता भी हूं और मानता भी हूं, और इसलिए मैंने मीठे तालाब का सत्याग्रह करने की ठान ली है। अरे इंसानों जैसे इंसान हम, मगर सबके साथ अलग अलग बर्ताव, सब पानी पी सकते हैं, अछूतों को पानी को हाथ भी लगाने से मना ही क्यों? अरे पानी को तो जीवन मानते हैं ना हम, फिर उसी पानी के लिए इतना दूजा भाव क्यों? मंदिर के मामले में भी वही, जब भगवान एक है, उसी ने सृष्टि का निर्माण किया, जबकि उसी ने सबको जन्म दिया है, मगर इन लोगों ने उसी भगवान को बांट कर रख दिया है, इसलिए करना पड़ा कालाराम मंदिर का सत्याग्रह। अरे कौन सा भगवान कहता है कि ऊंची जात वाले ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं और अछूतों के लिए प्रवेश निषेध है? छूत भी इंसान और अछूत भी इंसान, दोनों ही हाड़ मांस के बने हुए हैं, फिर भी ये भेदभाव क्यों? अरे और कितने दिन हमारा समाज इस अन्याय को सहन करता चला जाएगा? उन्हें लगा कि हमले की झूठी खबर फैला देंगे तो ये डर जाएंगे, मगर नहीं, उससे तो ये चिंगारी और भी भड़क उठी है। अजी सुनते हो? क्या हुआ रामू? अजी आप तो समाज में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये लोग आपको धमकियां क्यों देने लगे हैं?
ऐसे खोखली धमकियों से डरना नहीं चाहिए। वो तो ठीक है जी, पर फिर भी आपकी चिंता लगी रहती है। रामो बिल्कुल मत डरो, कुछ नहीं होगा मुझे। ऐसे बेफिक्र होने से कैसे होगा? देखिए, जब किसी को किसी से खतरा महसूस होता है तभी वो ऐसे रास्तों को अपनाता है, और जब ऐसी धमकियों से कुछ हासिल नहीं होता तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो मरने मारने पर भी उतारू हो जाता है। रामू, मैं तुमसे सहमत हूँ, पर मुझे अकेले को मार के उन्हें क्या हासिल होगा? आज पूरा समाज बौखला उठा है, और फिर किस किस को मारेंगे वो लोग? देखिए, आपने जो कार्य हाथों में लिया है उससे सब आपको बाबा साहेब कहने लगे हैं, और पिता का दर्जा दिया है लोगों ने आपको। और उसी पिता के मार्गदर्शन पर सारी दलित जनता अपने जान की परवाह किए बिना इस संघर्ष में आपके साथ है। तब वो गुरु, वो पिता आबाद रहने पर ही सारा कार्य निर्भर है, ये मत भूलिए। रामू, बिल्कुल होनहार वकील के जैसी बात करती हो तुम तो। कहां से सीखा ये सब? इतना ज्ञान कहां से प्राप्त किया तुमने? कैसा ज्ञान और कैसी समझ, मुझे तो अपने से ज्यादा आपकी चिंता लगी रहती है। रामू, मेरी फिक्र मत करो, आज तक मेरे रामू ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, कितने कष्ट उठाए हैं जिसकी कभी कोई तुलना हो ही नहीं सकती। रामू, मेरी बहुत इच्छा है कि कम से कम एक बार तो मैं अपने रामू के लिए कुछ करूं, उसकी मनपसंद कोई चीज उसे ला कर दूं। आज समय भी है तो तुम जो चाहे मांग लो। आपका निरंतर साथ संग। रामू, वो तो है ही और रहेगा भी, और कुछ? अगर आपकी इतनी ही इच्छा है तो मुझे सोने से मर दो। जब आप पढ़ रहे थे ना, तब आसपास की सारी औरतें मुझ पर हंसती थी कि इतना भी सोना नहीं चढ़ाया इसके पति ने, कह के चिढ़ाती थी। अगर लेना ही है तो सोना ही ले लो, ताकि मेरे पति की तरफ उंगली उठाकर बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। बस इतना ही? चलो अभी लेते हैं। अभी? ऐसे क्या देख रहे हो? वाह, सुंदर। रामू, गहने पहनने के बाद तो तुम बड़ी सुंदर दिखती हो। आओ, गहनों में हर स्त्री सुंदर ही लगती है। अरे क्या ढूंढ रही हो? कोई और गहना पहनना बाकी है क्या? आओ, कुमकुम की डिबिया कहाँ रखी मैंने? नहीं मिल रही है। धत तेरी की, सिंदूर की डिब्बी क्या? अब इतने सारे गहने पहनने के बाद कुमकुम की क्या जरूरत है? अहो, ऐसा क्या कर रहे हो? अहो, सुहागन का सिंगार है वो। इन सारे गहनों से ज्यादा अनमोल है वो। वो ना हो तो माथा सुना दिखेगा, और सुना माथा मतलब विधवा की निशानी। तो मैं नहीं हूं ऐसे समझ लो। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे मेरे पति होते हुए मैं कुमकुम के बिना रहूं? उसमें क्या गलत है? तुम्हारे पास गहने नहीं थे इसलिए तुम्हें बाकी औरतें हंसती थी, चिढ़ाती थी। अब तो तुम्हारे पास गहने भी हैं, फिर कुमकुम किस लिए चाहिए? देखो, मेरे कुमकुम के बारे में कुछ मत बोलना। चाहो तो ये सारे गहने ले लो, पर दो
दोबारा कभी ऐसी परीक्षा मत लेना। रामू, अरे मजाक कर रहा था मैं। ये कैसा जानलेवा मजाक? अच्छा, एक बात तो कहना भूल ही गया, रात को मेरी कार्यकर्ताओं के साथ सभा है। अब इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मैं नहीं जाने वाला, उन सबको ही यहाँ बुलाया है जिससे बातें गुप्त रहे। आज सारा देश भड़क उठा है। हाँ। छूत अछूत की लड़ाई बड़े जोश के साथ शुरू हुई है। हाँ। हम लोगों की हुई जागृति के कारण वर्ष ये संभव हो सका है। भीमराव साहब, ये सब आपकी वजह से हो पाया है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आपकी आंखों पर बंधी हुई अज्ञान की पट्टी खोल दी और आपको सत्य का आईना दिखा दिया। हाँ, पर सालों साल तक ये कोई नहीं कर सका, ये आपने ही किया अम्बेडकर। आपका कर्तव्य और नेतृत्व के लिए किसी को भी आशंका नहीं, इसलिए आपके मार्गदर्शन पर सर्व स्तर पर यह धर्म युद्ध जारी है और इसमें हम कामयाब होंगे, इसमें कोई शक नहीं। अगर क्रांति चाहिए तो क्रांतिवीर का आसमान में तेजो में होना जरूरी है और हमें इस बात पर गर्व है कि वो आपके रूप में चमक रहा है। मीठे तालाब का सत्याग्रह हो या कालाराम मंदिर का सत्याग्रह या मनुस्मृति दहन हो, सब कुछ तो हमारे दिल को दहलाने वाला था। जैसे ही आप पर हमला होने की खबर हम तक पहुंची, उस समय तो रमा ने रो रो के अपनी हालत बिगाड़ ली थी। ऐसी पत्नी मिली तभी तो मैं इतना कुछ कर पाया, उसका साथ ना होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। हमारे चार बच्चे एक के बाद एक चल बसे, इंदु पर तो वो अपनी जान छिड़कती थी। खैर रहने दो, जिसके लिए आज की सभा आयोजित की गई है उस मुद्दे पर आते हैं। मुझे गोलमेज परिषद के लिए लंदन जाना पड़ रहा है। पर हाँ, हमने जो लड़ाई शुरू की है उसमें कोई रुकावट ना आए। आप निश्चिंत होकर निकलिए साहब, हम लोग तो है ना आपके साथ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वराले, मैं दोबारा लंदन जाऊंगा, इस बात को लेकर रामू फिर से दुखी हो गई है और आजकल उसकी तबीयत भी बिगड़ती रहती है, तो मुझे ये लगता है कि मेरे लंदन से लौटने तक आप कुछ दिनों के लिए ही सही उसे धारवाड़ के अपने छात्र निवास में ले जाइए, ताकि जगह बदलने से उसकी तबीयत में भी सुधार आ जाएगा। ठीक है, मैं लेके जाऊंगा। संभल कर आइए। चलिए चलो बैठिए। अरे भाई, कोई है क्या वहां? पानी लेकर आना जरा। वराले दादा, ये छात्र निवास तो छात्रों का ही है ना? हाँ। फिर आवाज नहीं आ रही है बच्चों की कहीं से? रमा, आज शायद छुट्टी होगी। अरे लक्ष्मी ताई, छुट्टी हो तो क्या हुआ, छात्र निवास के बच्चे जाएंगे कहाँ? काय हो वराले दादा? वो ऐसा है ताई साहब, यही तो कहने के लिए मैं वहाँ आया था, पर साहब परदेश जा रहे हैं यह सुनकर मेरी जबान पर तो जैसे ताला लग गया। मतलब? छात्र निवास की ग्रांट नहीं आई अब तक, और बनिए का पिछला उधार बाकी है, इसीलिए उसने उधार देना बंद कर दिया। मतलब सारे बच्चे भूखे हैं? उसका कोई इलाज नहीं है ताई साहब, और हमारा भी चूल्हा नहीं जला है आज। बच्चे तो सारे यही है ना? हाँ। मैं जरा उनसे मिलकर आती हूँ। हाँ। लक्ष्मी ताई, आप बैठिए यहाँ। हाँ। मैं अभी आई। ये क्या कर रही हैं आप? देखिए,
इन्हें तोड़कर और खाने पीने का बंदोबस्त कर दीजिएगा। ये लीजिए। ताई साहब, ये कंगन तो आपके हैं, साहब क्या कहेंगे? अजी साहब, जितना बड़ा गहना है मेरे पास, फिर मुझे इन गहनों की परवाह क्यों रहेगी? लेकिन वो देखो वराले दादा, साहब को जो भी कहना हो वो मैं बताऊंगी। रामू, तुमने धारवाड़ के वसती गृह के बच्चों के लिए जो कुछ भी किया है ना, वो बिल्कुल सही किया है। अब लगती हो तुम मेरी पत्नी, क्यों चुप क्यों हो? कुछ कहना है क्या? एक बार पंढरपुर जाकर उस पांडुरंग को जी भर के देखना चाहती हूँ। रामू, तुम सब कुछ जानते हुए भी इस तरह से बात कर रही हो? रामू, वो पांडुरंग हम जैसी निचली जाति के लोगों को दर्शन नहीं देता है, और ना ही वो हमारी भावनाओं को समझ सकता है। देखिए, ये भेदाभेद लोगों ने किया है, ईश्वर को क्यों दोष दे? चोखोबा ने पांडुरंग का दूर से ही दर्शन लिया, उसी तरह मैं भी लूंगी। ये ढोंगी समाज तुम्हें उस पांडुरंग के दर्शन नहीं लेने देगा, और आज की तुम्हारी इस नाजुक हालत में तुम वो सह नहीं पाओगी। ऐसा क्यों कहते हो जी? अजी, चोखोबा के पति की प्रसूति भी उस पांडुरंग ने ही तो की। मन में श्रद्धा हो तो भगवान तक पहुंच जाती है। मैं उसके पास आपके लिए सफलता मांगने वाली हूँ। फिर तो जाने की कोई जरूरत ही नहीं, और कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं। फिर आपने नासिक में कालाराम मंदिर का सत्याग्रह क्यों किया? वो समानता का हक जताने की एक लड़ाई थी। हम भी हिंदू हैं, फिर हिंदुओं को मिलने वाले हक हमें क्यों ना मिले? इसलिए किया था ये संघर्ष। देखिए, मैं पांडुरंग के दूर से ही दर्शन करूंगी, सिर्फ एक बार, बस एक बार जाने दीजिए ना। रामू, तुम्हारी इच्छा ही है ना पंढरपुर देखने की? तो मैं तुम्हारे लिए हूबहू पंढरपुर का निर्माण करूंगा, ऐसा पंढरपुर जहां पूरी मानव जाति दर्शन कर सकेगी। वहां भगवान नहीं होगा पर भावनाएं होंगी, मूर्ति नहीं होगी पर भगवान बसेंगे। हम बुद्धिवादियों के पंढरपुर का निर्माण करेंगे, वो विज्ञान का अधिष्ठान होगा, जहां विवेक का स्थान होगा, जहां समता का विचार होगा, बंधुत्व की महक होगी, न्याय की उपासना की जाएगी, और वो सारी दुनिया में संचार करेगी। रामू, वो इंसान को इंसान समझने वाला पंढरपुर होगा, वो पंढरपुर किसी को भी मना नहीं करेगा। रामू, मेरे मन में बसा ये पंढरपुर हर किसी का गौरव ही करेगा। रामू, वैसे तो मुझे ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए करना था, पर अब मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं हूं, समस्त दलितों का हो चुका हूं। मुझे उनके लिए लड़ना है रामू, ताकि उन सबको न्याय मिल सके, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रामू, आज तक मुझे जो तुम्हारा साथ मिला वो अनमोल है, आज के बाद भी वो मिलता रहे, बस इतनी ही मेरी इच्छा है। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, जब तक मेरी सेहत मेरा साथ देगी तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती। पर उसके पहले ही अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप मेरे पति हो, इस बात की तसल्ली मुझे जरूर होगी। मेरे सौभाग्य की तरफ देखते हुए ही मुझे मौत आ जाए, इतनी ही ईश्वर को प्रार्थना है मेरी। नहीं रामू, अरे ऐसा मत कहो, तुम जब भी ऐसा कहती हो तो मेरा दिल दहल जाता है। देखो, अब मैं वेरुल जा रहा हूँ, तुम्हारी देखभाल के लिए बालम रहेगा, यहाँ और भी लोग हैं। देखो, चिंता मत करना,
मैं जल्द ही लौट आऊंगा। जागिए, जागिए, अब तो आंखें खोलिए। आपके ये उदास चेहरे और हताश निराश आवाज सुनता हूँ तो मेरे दिल के टुकड़े हो जाते हैं। वो लोग आपकी इसी दुर्बलता का फायदा उठाकर आप पर अन्याय करते आए हैं और आप उसे अपना धर्म मानकर सब चुपचाप सहते आए हैं। असहायता को ही अपना दुर्भाग्य समझकर चिपके रहे तो जागिए, जागिए। अम्बेडकर साहब की जय हो। अरे ऐसा क्यों कर रही है रमा, इतना सा दूध है पी ले। अरे सुबह से तूने कुछ खाया पिया भी नहीं है, थोड़ा सा दूध पी ले। नहीं चाहिए मुझे साहब, साहब इधर है। तू भाई साहब की बिल्कुल चिंता मत कर, उनके साथ कोई ना कोई रहता ही है, पर तू अपनी सेहत का ख्याल रख। अरे सुन यशवंत, मैंने बाराराम को दवाई लाने के लिए कहा था, जरा देख तो लाया क्या। अच्छा, अरे वो देखो आया। ताई साहब दवाई है, डॉक्टर ने कहा है कि सुबह और शाम को देनी है। अच्छा तो मैं चलूं, अगर कुछ जरूरत पड़े तो मैं यहीं पर हूँ, मुझे बुला लेना। हाँ चलता हूँ। कब आएंगे वो? अरे रमा आ जाएंगे वो, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू पहले ये दवाई पी ले। अरे नहीं रमा, मुझे ये दवाई पहले पीनी होगी। अरे माँ दवाई पी लो ना। ऐसी गुलामी की जिंदगी को ठुकराओ, हमें मानव जन्म प्राप्त हुआ है, फिर ऐसी नरक यातना भोग कर हम अपना जीवन दयनीय क्यों बनाए? हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है इसलिए ऐसी शर्मिंदगी की जिंदगी जीनी पड़ रही है? अपराधी हम नहीं, वो अन्याय कर रहे हैं हम पर, और हम आज तक उसे चुपचाप सहन करते आए हैं। अभी भी अगर आप अपनी आँखें नहीं खोलोगे ना तो ये अन्याय ऐसा ही चलता रहेगा, इसलिए अब तो आँखें खोलिए, जागिए। भीमराव अंबेडकर साहब की जय हो। डॉक्टर, डॉक्टर साहब माँ ठीक हो जाएगी ना? हो जाएगी। क्या हुआ डॉक्टर साहब? देखिए डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए पर मुझे मेरी रमा चाहिए, उसे जीना ही होगा। देखिए हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं चलता हूँ। भाई साहब आ गए। डॉक्टर ने कहा है तुम जल्दी ही अच्छी हो जाओगी। साहब आप मत दुखी हो ना मेरे लिए। आप मेरे पति हैं, इस एक सुख के लिए मेरे हजारों दुख बिल्कुल पिघल जाते हैं। रामू तुम्हें कुछ नहीं होगा। साहिब मैं मरने से नहीं डरती, मैंने बहुत बहुत नजदीक से देखी है मौत। मेरे माता पिता, आपके माता पिता, हमारे दादा, हमारे चार बच्चे, रमेश, गंगाधर, राजरत्न और मेरी लाडली इंदू, इन सबको मरते हुए बहुत बहुत नजदीक से देखा है मैंने साहब, बहुत नजदीक से देखा है। रामू तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रामू अगर तुम दवाई लोगी तो तुम जल्दी अच्छी हो जाओगी। रामू देखो तो कितने लोग आए हैं तुम्हें मिलने के लिए।
रामू, अब तुम इस अकेले यशवंत की ही माँ नहीं रही, सारे दुनिया की माँ बन चुकी हो। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें जीना होगा। तुम्हारे इन दुर्बल लोगों को मजबूत सहारा देने के लिए तो तुम्हें जीना ही होगा। रामू, तुमने मुझसे वादा किया था तो तुम मुझे ऐसे बीच राह में अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हो? साहेब। रामू। संसार बसाया मन तो से खुद को भारा, संग संसार बसाया मन तो से खुद को भारा, छोड़ मुझे क्यों चली गई तो इस हालत में रमा, छोड़ मुझे क्यों चले गए तू इस हालत में रमा। साहब मैं तन्हा तेरे बिना, साहब मैं तन्हा रमा, मैं हूँ यहाँ तन्हा। रामू, हमारे समाज को छूत अछूत के शराब से मुक्त करके तुम्हारा सपना मैं पूरा करूंगा, यही मेरी तरफ से तुम्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि होगी।